आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्रॉसवर्ड पजल दे रखा है जिसमें अक्रॉस और डाउन के क्लूज दे रखे हैं, जिससे हम क्रॉसवर्ड पजल को जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्लू है अक्रॉस में द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। थर्ड का आंसर है ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि कोई भी लेंस होता है उसके सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फिर यहाँ पे वी हैव फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर होता है बेसिकली दैट इज़ ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट इज़ नाइन्थ क्लू, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज़ अ पार्ट। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लेंस है, ठीक है, उसका इमेजिनरी स्फीयर मान लो ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका इमेजिनरी स्फीयर क्या होगा, ये, ठीक है, इस स्फीयर का ही टुकड़ा है ये एक, और इसका सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ को क्या कहते हैं हम, फोकस, और उतना फोकल लेंथ होती है। सो दिस इज़ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ इज द लेंस इज अ पार्ट ऑफ, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो नाइन्थ का आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन वी हैव एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाई एटलीस्ट वन कर्व सर्फेस। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो एटलीस्ट एक कर्व सर्फेस से तो बाउंड है ही, दैट इज नोन एज लेंस। ओके, नेक्स्ट इज इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं उतार सकते, तो रियल इमेज इज द आंसर। इमेज विच कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो वो होगी वर्चुअल इमेज, सो वर्चुअल इमेज इज द आंसर। 12th, 13th का है व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। कोई भी बेंडिंग और टर्निंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो बेंड करती है। ओके, जैसे मैंने इस लाइट को ऐसे पास किया जिसका इंसिडेंट जो है वो ये एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये है, तो ये जो है लाइन जो है वो बेंड हुई है, क्योंकि और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में हम घुसे हैं। अगर हम रेयरर से डेंसर में जाएं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है लाइट बेंड करती है, तो उसमें एंगल आर जो है एंगल आई से छोटा होगा। बट इतना नहीं जाना, हमें सिर्फ पूछा है कि जो लाइट बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, जब जब उन दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, तो उसको उस फिनोमेना को कहते हैं, उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। डाउन में आते हैं, फर्स्ट क्लू है लेंस विच कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। सो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट का आंसर शुड बी कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग पूरा फिलअप हो रहा है तो कन्वर्जिंग इज द आंसर। नेक्स्ट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ लेंस। सो वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सो दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। दे आर टॉकिंग अबाउट ये वाला लाइन, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर फर्स्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस के केस में पैरेलल रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती हैं, तो वो फोकस पे मीट करती हैं। सो डाउनवर्ड हम देख रहे हैं, सो ओके, सो ओके या सो डाउनवर्ड हम देख रहे हैं तो इट्स द फोकस। सो इसलिए फोर्थ का आंसर क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्लू जो है वो कुछ ऐसा है, दैट अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस।
तो एजेस पे थिन है और एजेस पे थिन है, आप अगर देखो तो एजेस पे थिन है और सेंटर पे थिक है, तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। सो फिफ्थ का आंसर शुड बी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकल लेंथ होती है वो तो, ठीक है। सो सिक्स्थ का आंसर इज फोकल लेंथ। एंड देन सेवेंथ इज अ लेंस विच डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सो डाइवर्जिंग लेंस इज द आंसर, डाइवर्जिंग लेंस। एंड देन वी हैव लास्ट अ लेंस दैट इज अ थिन इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस, तो मिडल से थिक थिन और एजेस से थिक कॉनकेव लेंस। सो एट्थ का आंसर इज कॉनकेव लेंस। सो दीज आर ऑल द आंसर्स टू द गिवन क्लूज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।